सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू एक्सरसाइज 6A. सो टेक आउट योर मैथ्स रजिस्टर एंड बुक एंड वी विल डू द एक्सरसाइज 6A. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन नोटबुक यू विल राइट द चैप्टर नेम चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम SCF एंड LCM एंड अंडरलाइन दिस द हेडिंग एंड मैंशन द डेट हेयर ऑफ टूडे. टूडे डेट इज 21/7/20. सो यू विल राइट द डेट. Then you will write exercise 6A as a heading and the underline this heading. Now we will do exercise. So find the SCF of the number with the help of multiplication tables by inspection. Question 1, 2, 3 are given here. We will find out the SCF of numbers with the help of multiplication tables by inspection. सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको SCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय इंस्पेक्शन जो कि अभी आपने सीखा है. सो इन नोटबुक वी विल राइट द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हैज ABCD पार्ट. सो वी विल डू फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. So we will write the question, find the SCF of the numbers with the help of multiplication tables by inspection. So question number 1A, 3 and 6. We will find out the factors of, SCF of 3 and 6. So we find both 3 and 6 only in the number, only in the multiplication table of 3. हमने पाया कि 3 और 6 केवल 3 की टेबल में आते हैं, यानी 3 की टेबल में 3 भी आता है और 3 की टेबल में 6 भी आता है. सो द SCF ऑफ 3 एंड 6 इज 3. सो SCF जो होगा 3 एंड 6 का वो 3 होगा ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर बी 12 एंड 8. सो वी फाइंड बोथ 12 एंड 8 ओनली इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ 2 एंड 4. स्टूडेंट्स यहाँ हमने पाया कि 12 और 8 जो है वो 2 एंड 4 की टेबल में आते हैं. 2 की टेबल में भी 12 और 8 आते हैं और 4 की टेबल में भी 12 और 8 आते हैं. बिकॉज 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8. सो 2 एंड 4 की टेबल में दोनों 12 एंड 8 आते हैं. सो बिटवीन 2 एंड 4, 4 इज़ ग्रेटर. 4 इसमें बड़ा है, ग्रेटर है. और SCF का मतलब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है. तो फोर यहाँ पे बड़ा है कॉमन फैक्टर. सो द SCF ऑफ 12 एंड 8 विल बी द 4. So 4 is the answer. Now question number C, 18 and 27. We find both 18 and 27 only in the multiplication tables of 3 and 9. यहाँ students हमने पाया कि 18 and 27 जो है वो 3 and 9 की टेबल में आते हैं दोनों. 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 and 9 3 जा 27. So between 3 and 9, 9 is greater. सो 3 और 9 में भी 9 जो है वो बड़ा है, ग्रेटर है. सो द SCF ऑफ 18 एंड 27 इज 9. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल. नाउ क्वेश्चन नंबर डी 20 एंड 30. सो वी फाइंड बोथ 20 एंड 30 ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, 5 एंड 10. स्टूडेंट यहाँ हमने देखा कि 20 और 30 तीन टेबल्स में आते हैं, 2, 5 और 10. यानी 2 की टेबल में भी दोनों आएंगे, 5 की टेबल में भी 20 और 30 आएंगे और 10 की टेबल में भी 20 और 30 आएंगे. बट बिटवीन 2, 5 एंड 10, 10 इज़ ग्रेटर. लेकिन 2, 5 और 10 में भी 10 जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है. सो द SCF ऑफ 20 एंड 30 इज 10. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू योर सेल्फ. यू विल फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन SCF बाय विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल बाय इंस्पेक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू योर सेल्फ. नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी विल फाइंड आउट द SCF ऑफ द नंबर्स बाय फाइंडिंग फैक्टर्स. अब हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में SCF निकालना है बट फाइंडिंग फैक्टर्स के मेथड से निकालना है, जैसे जो आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है. सो फाइंडिंग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 4 में SCF निकालेंगे.
उससे पहले स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री अपने आप करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर ए, सिक्स एंड नाइन। सो हमें स्टूडेंट्स यहाँ फैक्टर्स निकालने हैं, सॉरी SCF निकालना है, लेकिन फाइंडिंग फैक्टर्स के मेथड से। सो सबसे पहले हम सिक्स के फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ। सो टू से डिवाइड जाएगा सिक्स में, सबसे पहले टू थ्री जा सिक्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ थ्री है, वो टू की टेबल में नहीं आएगा, तो थ्री से करेंगे हम, थ्री वन जा थ्री। सो सिक्स के फैक्टर निकले टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। नाउ वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ नाइन। थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री वन जा थ्री। सो द फैक्टर्स ऑफ नाइन इज थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री। नाउ ग्रुपिंग द फैक्टर्स वी गेट टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स। सो द फैक्टर्स ऑफ सिक्स इक्वल्स टू वन टू थ्री सिक्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चला कि सिक्स के फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे वन, वन तो सभी का होता है, टू थ्री एंड सिक्स, क्योंकि वन की टेबल में भी सिक्स आएगा, टू की टेबल में आएगा क्योंकि टू से यहाँ पर डिवाइड है, थ्री की टेबल में भी आएगा और अपनी टेबल में भी आएगा सिक्स की टेबल में। नाउ हेयर नाइन इक्वल्स टू, फैक्टर्स ऑफ नाइन इक्वल्स टू वन थ्री एंड नाइन। द ओनली वन कॉमन फैक्टर्स ऑफ सिक्स एंड नाइन इज थ्री। तो यहाँ हमने स्टूडेंट्स देखा कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ओनली दोनों टेबल में थ्री है। सो द एस सी एफ ऑफ सिक्स एंड नाइन इक्वल्स टू थ्री। सो जो एस सी एफ होगा सिक्स और नाइन का वो थ्री होगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इज टेन एंड फिफ्टीन। सो वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ टेन एंड फैक्टर्स ऑफ टेन। सो टू एंड फाइव, टू मल्टीप्लाई बाई फाइव इज द फैक्टर्स ऑफ टेन एंड द फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन इज थ्री एंड फाइव। सो यहाँ फैक्टर्स निकले टेन के, वन टू फाइव एंड टेन, और यहाँ फैक्टर्स निकले 15 के, 1, 3, 5 एंड 15। सो द ओनली वन कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15 इज 5। सो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट कि जो केवल एक कॉमन फैक्टर है दोनों में 5, जो दोनों की टेबल में आता है 5। सो द एस सी एफ ऑफ 10 एंड 15 इक्वल्स टू 5। सो 5 जो है वो दोनों का एस सी एफ होगा 10 और 15 का। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज 20 एंड 32। वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स एस सी एफ ऑफ 20 एंड 32 बाई फाइंडिंग फैक्टर्स। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 20, देन वी विल फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 32। सो वैन वी फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 20, सो द फैक्टर विल बी 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड द 32 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ ग्रुपिंग द फैक्टर्स वी विल गेट 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 20। सो द फैक्टर्स ऑफ 20, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स पता चला कि 20 के फैक्टर्स जो होंगे, यानी 20 किस किस की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में, 10 में और 20 में। सो ये इसके फैक्टर्स हो गए 20 के। नाउ 32 के फैक्टर निकालने के लिए 32 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 32, यहाँ से हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे 20 और 32 के, तो वो निकलेंगे 1, 2 एंड 4। बट इन कॉमन फैक्टर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4, सो द एस सी एफ इज 4 आंसर।